आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कॉर्ड शिफ्टिंग स्मूथली हमें कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ मेट्रोनोम। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमने रूट सेलेक्ट किया है वो है जी, ई माइनर, सी एंड डी। तो इन कॉर्ड्स में हम कॉर्ड शिफ्ट करेंगे मेट्रोनोम के साथ। हम स्टार्ट करेंगे इसको धीरे 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 धीरे, हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे शिफ्टिंग की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉर्ड्स हमें जी कैसे यूज करना है। जी कॉर्ड लेने के लिए हमें तीन फिंगर्स का यूज करना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। दो फ्रेट हम यूज करेंगे सेकंड एंड थर्ड। लिटिल फिंगर सबसे नीचे फर्स्ट स्ट्रिंग में, थर्ड फिंगर सबसे ऊपर सिक्स्थ स्ट्रिंग में, और सेकंड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग में आएगा। ये बन जाएगा हमारा जी कॉर्ड। फिर ई माइनर कॉर्ड पकड़ने के लिए आपको बहुत ही इजी एक ट्रिक यूज करनी है। ये सेकंड फिंगर को यहीं पर ही होल्ड करना है आपको। थर्ड फिंगर इस फ्रेट के नीचे आ जाएगी, इस स्ट्रिंग के नीचे, यानी कि फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग आपको होल्ड करनी है। फोर्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, ये बन जाएगा आपका ई माइनर। सी कॉर्ड के लिए तीन फ्रेट हम यूज करेंगे, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड एंड थर्ड फ्रेट। फिंगर भी 1 2 3, और स्ट्रिंग कौन कौन सी है, सेकंड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ स्ट्रिंग। ये हमारा सी कॉर्ड बनेगा। नाउ डी कॉर्ड के लिए तीन फिंगर हम यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दो फ्रेट हम यूज करेंगे, सेकंड फ्रेट एंड थर्ड फ्रेट। फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग, सेम फ्रेट यानी कि सेकंड फ्रेट में, और थर्ड फिंगर बीच में आएगी यानी कि थर्ड फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग। ये बन जाएगा हमारा डी कॉर्ड। सो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम मेट्रोनोम के साथ। पहले मैं लूंगा इसमें 60 BPM यानी कि 60 स्पीड में यूज करूंगा मेट्रोनोम की। उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और धीरे 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 हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये 60 इसका टेम्पो है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 काउंट को यूज करेंगे और 1 जो काउंट होगा सिर्फ 1 काउंट पे हम अभी प्ले करेंगे, और 3 काउंट हम इसको फ्री छोड़ देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें हम डबल स्ट्राइक करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
आपको बहुत स्मूथली एकदम से कॉर्ड शिफ्ट करना है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, जब तक आपका स्मूथली चेंज नहीं होने लगे। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन प्रैक्टिस।